हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में जॉब से रिलेटेड जानकारी के साथ यहां उपस्थित हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पेज यहां पे ओपन किया हुआ है, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। फ्रेंड्स, इसमें असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज असिस्टेंट पद के लिए रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले अनुरोध करता हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल पर अवश्य क्लिक कर लें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको मैं आगे की जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज असिस्टेंट के 326 पद हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। आप देखिए, यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाउनलोड की हुई है मैंने, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राज पटना 800004, ये यहाँ का एड्रेस है। इसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है 26 अक्टूबर 2018 से, और ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 नवंबर यानी अगले महीने 22 तारीख तक ये ओपन है। आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं इसी अवधि में, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है वो आपको बाद में जो कि दिसंबर और जनवरी में हो रखी जानी है, आपको ऑनलाइन आपको जानकारी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें 326 पोस्ट हैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट मल्टीपर्पज 326 पोस्ट इन द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको वर्ग के अनुसार बांटा भी गया हुआ है। ये देखिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट एंड नंबर, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड असिस्टेंट मल्टीपर्पज, टोटल पोस्ट 29, जनरल 17, शेड्यूल कास्ट 0, शेड्यूल ट्राइब कास्ट 1, बैकवर्ड क्लास 6, और दोनों ही बैकवर्ड क्लास हैं, और WBC तीन तरीके के बैकवर्ड हैं यहाँ पे, से 6, 3, 2 यानी 11 जो पोस्ट हैं वो बैकवर्ड क्लास के लिए हैं, कुल मिलाकर 29 पोस्ट हैं यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ देखिए जो अलग अलग 20 जिलों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं और इसमें टोटल पोस्ट 297, जिसमें जनरल के लिए 166, शेड्यूल कास्ट के लिए 55, शेड्यूल ट्राइब के लिए 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 44 प्लस 21 प्लस 5, कुल मिलाकर 297 जो है रिक्तियां यहाँ पे हैं। इन रिक्तियों पर जो आवेदक आवेदन करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन यानी स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विद्यालय द्वारा, अब आप आवेदन कैसे करेंगे, biharbank.bih.nic.in इस पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे जो भी डिटेल फिलअप कराई देगी वो आप डिटेल फिल करिए, और साथ में आवेदन फीस जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए ₹400 प्लस GST देना होगा, और सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए ₹600, जिसमें आपको GST भी देना होगा, जो 18% जो GST लगती है। अब आप यहां देख सकते हैं जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जो 29 पोस्ट है उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, और दूसरे में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 20 जिलों में एक टोटल 297 पोस्ट के लिए, तो उनके सेम सैलरी स्ट्रक्चर है, कहीं कहीं पर आप चेंज, जैसे औरंगाबाद में देखिए ₹7200 और से ₹19300, जबकि बाकी में देखिए 11765 से 31540 है। इसी तरीके से यहाँ देखिए नवादा में ₹6200 से ₹18300 है,
इसी प्रकार से यहाँ मुंगेर में 1,000 से 2,860 रुपये हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं 11,765, 11,765 ज़्यादातर इसमें, कुछ ज़िलों में सैलरी वेरिएशन कर रही है। अब आप यहाँ देख लीजिए, जो बैकवर्ड क्लास के जो है क्लासिफाइड किया गया है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास और वोमेन बैकवर्ड क्लास, तीन तरीके के पिछड़ा वर्ग यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्वेशन यानी आरक्षण, आप जैसा कि नियम है, रूल है, उस हिसाब से आप एज की गणना आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 2018 से एज की गणना की जाएगी। आपको मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष यहाँ पे दिखेगी, और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिखेगी, 2 सितंबर 1985 से पहले के और 1 सितंबर 1997 के बाद के अभ्यर्थी नहीं होने चाहिए। जिसमें से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो बैकवर्ड के तीनों वर्ग आप देख रहे हैं उसमें 3 वर्ष की छूट है। यहाँ पे आपको देख लीजिए, आप पैटर्न है, पैटर्न आपको क्या, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क के हैं, और जो प्रश्न पत्र होंगे वो इंग्लिश में होंगे। 1 घंटे का समय है, रीजनिंग भी होगा इसी में, इसी 1 घंटे में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में रीजनिंग होगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 35 होगा, 35 मार्क का होगा, और इससे इसका जो पैटर्न होगा जो क्वेश्चंस का, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ये सभी 1 घंटे में आपको कंप्लीट करने होंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। इसके बाद मेन परीक्षा होगी। मेन परीक्षा में आपको 5 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न पत्र लैंग्वेज पे होंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। आप पहला प्रश्न पत्र इंग्लिश, सभी में 40-40 होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज के 2, इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज ये होंगे। और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल। फ्रेंड्स, तो आप ये फाइल आप डाउनलोड करके पूरा स्टडी कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। इसी प्रकार से असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं, आवेदन की प्रारंभ तिथि अंतिम तिथि सेम है, पद की संख्या सिर्फ वेरियर यहाँ पे वेरियर करेगी। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बिहार स्टेट कोऑपरेटिव प्रोग्राम, यहाँ पे आपको 28 दिया हुआ है, लेकिन जो 12 अलग जिले हैं उनमें टोटल 80 है, यानी 28 प्लस 80 108 जो है पद आपको इसमें रिक्तियां जो इसके लिए आवेदन की जा रही हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन आप देखिए, ग्रेजुएशन है, और प्रेफरेंस दिया जाएगा एमबीए डिग्री जिसके पास होगी, जिस कैंडिडेट के पास, उसको जो है वरीयता दी जाएगी। एग्जामिनेशन यानी आवेदन फीस सेम है, रिजर्वेशन प्रक्रिया भी सेम है, और पे स्केल में थोड़ा सा वेरिएट करेगा, यहाँ पे 23,700 से 42,020 है। और आप देख सकते हैं डिफरेंट जो जिले हैं उनमें अलग अलग यहाँ पे वेरिएट करेगा, कहीं पे आपको देखिए 10,000 से 8,000, 18,240 है। तो जिस जिले में आप देख रहे हैं इस वैकेंसीज को, आप यहाँ पे पता कर सकते हैं वहाँ सैलरी क्या होगी। रिजर्वेशन यहाँ जैसा कि आपका मैंने सेम है, और यहाँ पे आयु भी आपकी सेम है, जिस हिसाब से छूट दिया जा रहा है मैनेजर पोस्ट के लिए, जो असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपर्पज है वो सेम टू सेम असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी वही है। प्रश्न पत्र सेम, इसमें जो है प्रत्येक के लिए 20 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, यानी 3 है तो आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय यहाँ दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें भी देखिए प्रश्न पत्र सेम है, मेन के लिए भी, जिसके लिए 2 घंटे का समय है, और जो प्रक्रिया है आवेदन करने की वो भी यहाँ पे सेम है। तो आप इस पीडीएफ फाइल को, दोनों पीडीएफ फाइल आप जो है इसके आधिकारिक वेबसाइट्स biharbank.bih.nic.in पर जाकर क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे देखिए आप, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट लिंक आएगा, देखिए biharbank.bih.nic मैंने खोल रखा है। यहाँ पे देखिए पॉइंटर रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करें, रिक्रूटमेंट क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे 326 पोस्ट मल्टीपर्पज असिस्टेंट के लिए, एक 108 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए,
यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन, नाउ डाउनलोड कर लीजिए। अपलोड फोटोग्राफ्स, जैसे कि यहाँ पे गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो किस फॉर्मेट में होगी, तो आप गाइडलाइंस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स कैसा होना चाहिए, जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसका जो है डायमेंशन 240x240 पिक्सल का होना चाहिए, 200 DPI पे इसको आपको स्कैन करना है। फाइल की साइज 20 KB से 50 KB है, ना 20 KB से आपको कम करना है, ना 50 KB से ज़्यादा इसकी साइज रखनी है। इसी तरीके हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, उसकी साइज 50 KB से 100 KB के बीच में है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल, और स्कैनर जो आप यूज़ करेंगे वो 200 DPI डॉट पर इंच के पर यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ्स भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, साथ में PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल हैं ये भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको डेट है, इनिशियल डेट, और आप जो लास्ट डेट है, साथ में आपको जो है प्रिंट करने का एप्लीकेशन कब तक, 7 दिसंबर तक आप प्रिंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट आप सेम जो है 26 से जो आपकी आरंभ की तिथि है और अंतिम तिथि इतने इसी तारीख के बीच में आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप रजिस्ट्रेशन पे जाइए, क्लिक किया टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें और अपने अनुसार जिस पद के लिए आपको अप्लाई करना है उस पर अप्लाई कर लें। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। एक बार अनुरोध के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर अवश्य क्लिक कर लें, और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।